सलाम है उस महान आत्मा को जो इस बगिया इस चमन को सींच करके। सालिक भाई पत्रकार भी घबरा गईलन, शिवपाल जी और आदरणीय बड़े भैया अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री जी से पूछ रहे थे कि नेताजी ने ऐसा कौन काम किया था कि मुझे आज 30 साल 40 साल 35 साल हो गया पत्रकारिता करते, ऐसी भीड़ मैंने जनाजे में नहीं देखा था। ऐसा वह सितारा था, पहले के भाषा में अहिरा बोलल जाए, और यादव के बाद तो यादव जी कहने लगे लोग। दर्द होता है साथियों, 1996 में जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे तो हमें आपको जिला पंचायत प्रधानी बीडीसी लड़ने का अधिकार नहीं था साथियों, लेकिन जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो हमें सारा कुछ लड़ने का अधिकार दिए। और हम शोषित पिछड़े जातियों के लोग जब कहते हैं कि मुलायम ने जातिवाद किया, मुलायम ने इस देश के लिए इस राज्य के लिए क्या किया, तो साथियों लगता है कि धरती क्यों नहीं फट गई, इस धरती में समा जाए। उनकी बदौलत आज हम मंच पर खड़े होकर के ताव से भाषण देते हैं। बिरहा गीत संगीत तो चलता था साथियों, खुल करके बिरहा के मंच से प्रचार होता है, ये उनकी बदौलत है, ये उनकी देन है। बस मालिक से यही दुआ है कि वह आत्मा जहां भी विराजमान हो, भगवान भी रोया था, भगवान के दरबार में भी दरबार खोल करके उनका स्वागत किया गया था, पूरा उत्तर प्रदेश रोया था साथियों, उत्तर प्रदेश के साथ पूरा हिंदुस्तान आंसुओं से भीग गया था, उसके साथ वह दुनिया का मालिक भी भीग करके अपनी बारिश किया था। सलाम है ऐसी आत्मा को। लेकिन कबीर जी भाव निकला, कबीर जी का जब कलम उठल तब भाव लिखलन कैसे लाल, कि दिल ले के चाह रही हो कि हटा लो जुल्फ चेहरे से, अरे वाह, हया की क्या जरूरत है, अरे वाह, अरे हटा लो जुल्फ चेहरे से, हया की क्या जरूरत है, इस चान से मुखड़े पे मेरी जान काली घटा की क्या जरूरत है, क्यों तड़पाती हो तुम अपनी भरी जवानी को, अरे क्यों तड़पाती हो तुम अपनी भरी जवानी को, मुझसे दोस्ती कर लो, अरे दिल को सजा क्यों देती हो मेरी जान, सजा की क्या जरूरत है, ये रह के चाहिए कि अरे दिल ले के चाह रही हो, कि दिल ले के चाह रही हो, कैसे जिए रो रो के मरेंगे।